बस मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल जी हैं, उसमें फिर हम इसको बाद में कंक्लूड करते हैं सेशन को। अच्छा, मैंने जब पूछा, अब मैं जब आ रहा था ना, तो ये मैं डिनर करने जा रहा हूँ उस्मान साहब के पास, जी सब ने मुझे पूछा, उस्मान साहब से एक बात जरूर जी पूछिएगा हजरत। कि इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं, वो क्या खाते हैं हाल? भाई वाह, ये मेरा सीरियस सवाल है कि कैसे एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको जब भी देखा है माशाल्लाह, सुबह दोपहर रात रात के 2 बजे फुल एनर्जी, इसका राज बताएं। अच्छा अभी आप लोगों ने नोट किया, और ये मैं आई कैन नॉट हेल्प इट, जब इन्होंने एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन किया तो मैं थोड़ा सा एनर्जी में आ गया था, राइट? हाँ बिकॉज दैट्स माई पैशन, यू नो दैट्स रियली माई पैशन, आई कैन नॉट हाइड इट, आई कैन नॉट फेक इट नाउ। सो एवरी वन इज एन इंट्रोवर्ट एट सम लेवल एंड एवरी वन इज एन एक्सट्रोवर्ट सम लेवल। और मैं सोच रहा कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जो लूज करता है एनर्जी बाय डूइंग समथिंग, यू नो सोशलाइजेशन से लूज करता है, ठीक जी है? और वही इंट्रोवर्ट अपने दोस्तों के अंदर एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, सही, क्योंकि वो एनर्जी गेन कराता है। मेरा ये ख्याल है कि एवरी ह्यूमन एट सम लेवल विल गेन एनर्जी फ्रॉम देयर पैशन, पैशन, फ्रॉम देयर पैशन, ओके। सही। इफ मनी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ना, जनरली इफ मनी इज जनरली नॉट एन ऑब्जेक्ट फॉर मी राइट नाउ, तो आई वुड स्टिल डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। दैट्स एग्जैक्टली माई लाइफ इज, आई लव माई जॉब, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई लव माई जॉब, सो आई नेवर लूज एनर्जी बाई डूइंग दिस। मुझे पूरी रात करवाई रखें, क्योंकि दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वॉन्ट, राइट? अच्छा, आपने जो मेन सजेशन दिया ना यहाँ पे जी सबको, जो सीईओज जो बैठे हुए यहाँ पे, अपना वाई डिफाइन करें सर। हाँ आज सोचना शुरू करेंगे 3 साल लग जाएंगे, वट इज माई वाई, वाई आई एम डूइंग दिस। वाई पैसे बनाने के लिए कर रहा हूँ, चलो पैसे अकाउंट में आ गए, फिर उसके बाद क्या है? अच्छा मतलब पैसा एक नंबर है ना बॉस, कभी समझ लें कि यार ये सारे वो जो अल्लाह ताला की वो सारी कहते हैं बातें ना, हैं। कितना $5 मिलियन के बाद आप मैं कहते तो हैं, 3 महीने पे आ गया हूँ, मैं कहता अच्छा हूँ तीन भी आ गए, मेरा ये ख्याल एक है। महीने में ये शिफ्ट हो गया जी 5 मिलियन से 3 मिलियन। जी, मेरा ये ख्याल है कि $3 मिलियन इफ यू कैन मेक एंड यू जस्ट स्मॉल एक छोटा सा केवियट ये ऐड कर लें कि यार ट्राई टू मेक पैसिव इनकम 5% ईयर ओवर ईयर फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, $3 मिलियन इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान इज वे इनफ फॉर यू टू रिटायर फॉर योर लाइफ एंड योर किड्स नेवर हैव टू वर्क अगेन। सही है, मैं बिल्कुल यहां सही, तक कह रहा हूँ, ठीक सही है? है। इफ यू हैव 78 ईयर्स ऑफ लाइफ, $3 मिलियन शुड बी इनफ फॉर यू, सही है? और अगर 5% बनाना है तो वो 78 के बाद भी चलेगा, सही? तो 5% कोई मुश्किल नहीं है, रियल एस्टेट से बना सकते हैं, किसी चीज से बना सकते हैं, ठीक है? ताकि पैसे की उससे तो निकला ना, वर्क इज एवरीथिंग दैट यू डू इफ मनी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो मिनिमाइज वर्क, सही सही है। है? वर्क ऑन योर पैशन, अच्छा, एनर्जी लूज आपने नहीं होगी। बात ज्यादा फोकस किया नैरेटिव बिल्डिंग पे, जी और नैरेटिव बिल्डिंग से मुराद ये है कि यू बिकम एन इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी, जी सीईओ शुड बी अ इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी, तभी वो जी नैरेटिव बिल्ड कर सकेगा ना। अच्छा, नैरेटिव बिल्डिंग में ये एक नया कॉन्सेप्ट है नैरेटिव बिल्डिंग करने का ना, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ये था कि आप इंप्लॉयज को उनके पैसे दो, उनको इंश्योरेंस दो, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दो, तो आपका इंप्लॉय आपके साथ रहे। ये दिस इज समथिंग हायर जी कॉन्सेप्ट जब जी नैरेटिव बिल्डिंग करें। अच्छा, बाज़ औक़ात ना नैरेटिव बिल्डिंग का लोगों को सही तरह से बात समझ नहीं आती कि नैरेटिव बिल्डिंग हमने क्या करना है। जी आप बता दें जरा कि डेफ सिंह की जो है नैरेटिव बिल्डिंग वो जी क्या है, आप इंटैक्ट कैसे रखते हैं लोगों को अपने साथ, वो बता दें आप। तीन चीजें जी। पहली बात तो ये है कि देखें, एवरीवन वांट्स टू हैव अ मिशन मोर देन देमसेल्व्स, ठीक है? एवरीवन वांट्स टू बिलोंग टू सम प्लेस वेयर देयर इज सम मिशन अटैच्ड टू इट। व्हाई डू दे एग्जिस्ट, व्हाई डू दे वर्क, व्हाई डू दे गिव एक्स्ट्रा आवर्स, एंड दैट मिशन कैन कम फ्रॉम कई, वट डू यू वॉन्ट टू फिक्स इन लाइफ, वट इज योर मतलब आप दुनिया में आए हैं तो रेंट पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू वर गिवन द वर्ल्ड इन सर्टन पोजिशन, यू वॉन्ट टू मेक इट बेटर, सही है? तो हमारे लिए बड़ा सिंपल था यार, वी वॉन्ट टू फिक्स पाकिस्तान, एंड हाउ वी वॉन्ट टू फिक्स पाकिस्तान, बाई बाई मेकिंग इट एन आई टी इकॉनमी, ठीक है? गली गली में आई टी सेंटर्स खुल जाए, गली गली में हम आई टी एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, डॉलर्स आ रहे हो पाकिस्तान में, सिर्फ पैसे का मसला है, बाकी ये बाकी मसले हैं नहीं, बाकी मसले बना दिए गए हैं, पैसा आ रहा होगा, बाकी मसले खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल नैरेटिव, अगर हम By by working at DevZinc, we are working for the greater good of Pakistan, and we are doing that too. अब हमारे employees को नजर भी आता है ना कि वो जब जाके गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को सिखा रहे हैं, या जो साउथ पंजाब में जा रहे हैं और वो जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को सिखा, उनको ये मीनिंग मिल रहा है। आप अपने एम्प्लॉइज को कहते हैं यार हम ग्रीन पाकिस्तान चाहते हैं, आप जाके दरख्त लगाना शुरू करें, देखें उनके अंदर वैल्यू कितनी कितनी बिल्ड होती है, उनको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना अपने काम से, वो आप वैसे अचीव कर नहीं सकते। नैरेटिव होना चाहिए कोई वैल्यू सिस्टम पे जो कि ग्रेटर देन यू है, पहली बात। दूसरी बात यह कि देर हैज टू बी अ लेटर, यू कैन नॉट बिल्ड एन एम्प्लॉई विदाउट अ लेटर, अदरवाइज क्या होगा कि अच्छा आपके जो टॉप 6 बनने हैं वो किस बेस पे टॉप 6 बनने हैं, जस्ट बिकॉज के आपके दोस्त थे, जस्ट बिकॉज के आपके साथ पहले आ गए थे, तो ये तो कोई नैरेटिव ना हुआ। आपका एक बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे या इंटर्न लेवल पे, तो उसको आप एक लेटर दें कि ब्रो ये 4 काम करोगे तो अगली प्रमोशन, ये 5 काम करोगे तो अगली प्रमोशन, और तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं, बस ये 5 काम कर लो, KPI डिफाइन कर दो। एज अ सीईओ पॉलिसी मेकिंग इज योर जॉब, एज अ सीईओ यू शुड राइट डाउन दीज लेटर्स फॉर एवरीवन टू ग्रो टू योर लेवल एंड बीट यू टू योर पोजीशन टू। व्हाई आर यू द सीईओ ऑफ द कंपनी, जस्ट बिकॉज यू फाउंडेड द कंपनी? नो, इट शुड नॉट बी द केस, यू शुड कम्पीट फॉर योर जॉब टू, एंड इफ समबडी इज बेटर देन यू फॉर योर जॉब देन। सो पुराने जमाने में ट्राइब होता था ना, जिसका लीडर होता था ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी हुआ करता, तो वो क्यों
जो लीडर थे वो हंटर गैदरर्स थे. हम एज अ सोशल बिजनेस वी आर हंटर गैदरर्स, वी हैव टू मेक अ ट्राइब वेयर द सीईओ इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट गाय दैट एवरीवन वांट्स टू फॉलो. द सीईओ शुड नॉट बी द गाय हु ओन्स द इक्विटी. यू ओन द इक्विटी, यू साइड पे हो, आपको पैसे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ये टाइटल है ना ये उस बंदे को दें जो एक्चुअली में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जिसके पीछे लोग लगेंगे, जिसके नैरेटिव को लोग फॉलो करेंगे, और ये लेटर जब गिवन होगा तो वो बड़े आराम से इसको फॉलो करेंगे. तीसरी बात जी, उनका बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज शुड बी कवर. हेल्थ केयर, घर, रोटी कपड़ा, मकान शुड नॉट बी देयर प्रॉब्लम. यू गॉट टू फिक्स दैट, यू गॉट टू गिव देम. बेशक आज नहीं फिक्स होगा, 3 सालों में फिक्स हो, 5 साल में फिक्स हो, 7 साल में फिक्स हो, एक बिल्डिंग ब्लॉक मिलेगा उनको. यार देखें, नोबडी कैन वॉक इन अ टनल जहां पे आगे लाइट नजर ना आ रही हो. कोई लाइट तो दिखानी है बॉस. सही है, सही है. बेशक वो बहुत बड़ी टनल हो, बेशक फुल अंधेरा हो, जो मर्जी हो, एंड पे लाइट जरूर होनी चाहिए. तो गिव देम अ नैरेटिव का यार 5 सालों में आपको पैसे में आप यहां पहुंच जाएंगे, आपकी ये एसेट्स बन जाएंगी, 3 सालों में ये बन जाएंगे. उसका मैथ करेंगे, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट बना के देगा. ये मैथ फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ये मैथ बना के देखे कैसे हर एम्प्लॉई का 3 सालों में गाड़ी का मसला हल करें, कैसे हर एम्प्लॉई का 5 से 7 सालों में हम घर जमीन का मसला हल करें, 10 सालों में उसका अपना घर हो ताकि वो रिटायर कर सके, जो 15 साल गुजार ले उसके बच्चों की फीस कवर्ड हो. ये फ्यूचर के मसले हैं ना बॉस. जब वो ये करेंगे तो फिर वो करेंगे ना काम आपके साथ. और ये फाइनेंशियल से निकलेगा. आपका 20% साइड पे करें, बाकी फाइनेंशियल में से निकाल लें ये. और अगर नहीं कर पा रहे तो सेल्स बेहतर करें, प्राइस हाई करें, इसको इंक्लूड करें प्राइस के अंदर. अच्छा उस्मान साहब, ये जो 80,000 जॉब्स हैं, ये भी तो आपका नैरेटिव है ना जी. ये भी तो इससे भी तो आप मोटिवेट करते हैं ना लोगों को. ये माइलस्टोन है, ये माइलस्टोन है, राइट. सो व्हेन यू से यार आई वांट टू लूज वेट, दिस इज माय नैरेटिव. कितना वेट? 1 साल में 30 kg. नाउ दिस इज डिफाइंड, नाउ दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग. ठीक, ह्यूमन माइंड वर्क्स बेटर व्हेन वी हैव क्वांटिफाइड द गोल. तो 80,000 इज द गोल दैट आई एम क्वांटिफाइंग, कि ये आई वांट टू अचीव. लेकिन 80,000 हो जाएगा फिर क्या करना है भाई? करेंगे, हमारा नैरेटिव ये है कि हम पाकिस्तान फिक्स करने निकले आईटी के थ्रू, राइट. तो अब ये